नमस्कार, मैं पवन गिल आपका स्वागत करता हूं एक नए व्लॉग में। आज जो व्लॉग है वो जो मौजूदा कांग्रेस की स्थिति है, किन को है जो विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस, उनकी लिस्ट लेकर हाजिर हूं। आपसे निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फॉलो कर दें। तो शुरू करते हैं। कांग्रेस जिन 30 उम्मीदवारों पर, आज हम पहले 30 उम्मीदवारों के 90 में से 30 उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। 30 उम्मीदवार कौन से होंगे आपको बता दें। वो उम्मीदवार हैं, ये जो लिस्ट है, जिन पे मोहर लगनी बाकी है, बाकी संभावित वो कह सकते हैं हम कि इन्हीं उम्मीदवारों को है जो टिकट है कांग्रेस का मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पुख्ता जानकारी हमारे पास जो आई है, कन्फर्म टिकट है घरोंडा, करनाल के घरोंडा से। आपको बता दूं मैं, वीरेंद्र राठौड़ जो अपने आप में एक अहम शख्सियत हैं, जो मान के चलें टिकट तो दूर की बात है, टिकट अगर ना भी मिले उनको तो भी वो जीत के प्रबल दावेदार हैं, पहले नंबर पर हैं जो वो उम्मीदवार हैं। दूसरे नंबर की बात करूं मैं कालका चंद्रमोहन बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के भाई, और आपको बता दूं कुलदीप बिश्नोई हैं जो वो बीजेपी में है, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई हैं वो स्टार्टिंग से कांग्रेस में है। आगे बात करेंगे, नारायणगढ़ शैली चौधरी हैं, अम्बाड़ा से चित्रा सरवारा हैं, जो पिछली बार भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था लेकिन बड़े कांटे की एक फाइट के अंदर वो हार गई थी। छढ़ोरा से है रेणु बाला, रांधौर से बिशन लाल, टोहाना से आपको बता दूं मैं परमवीर सिंह और सुवे सिंह समैण का नाम है जो आगे चल रहा है। दोनों का अगर दो बार हारे को अगर टिकट नहीं मिली कांग्रेस में तो सुवे सिंह समैण को मिलेगी, अगर पीछे वाला रसूख देखा गया तो परमवीर सिंह को। लाडवा से मेवा सिंह जो मौजूदा विधायक हैं इस समय भी, उनका नंबर है जो पहले नंबर पर है। लाडवा से मेवा सिंह आ गए। थानेसर से अशोक अरोड़ा जो इनेलो छोड़कर कांग्रेस में गए थे और उन्होंने चुनाव लड़ा, कड़ी कांटे की टक्कर है जो उन्होंने कांग्रेस का उम्मीदवार रहते हुए दी थी। किलायत विकास सहारण जेपी यानी जयप्रकाश जो सांसद हैं मौजूदा, उनके बेटे हैं, उनको टिकट मिलना लगभग तय है। इंद्री से राकेश कंबोज, हसन से शमशेर सिंह गोगी, मौजूदा एमएलए हैं शमशेर सिंह गोगी। इसराणा आरक्षित सीट है धर्मवीर ओ बलबीर वाल्मीकि को, ये भी मौजूदा विधायक हैं। समालखा से धर्मवीर छोकर, ये भी मौजूदा विधायक हैं। हिसार से बजरंगदास गर्ग को मिलेगी टिकट। संभावित उम्मीदवारों की स्थिति में चल रहे हैं, अगर हमारी मोहर लगानी हो तो हम कन्फर्म, क्योंकि जीताऊ कैंडिडेट हैं ये। हांसी से प्रेम सिंह मलिक, जिन्होंने पहले भी कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मलिक जो खाप है उसका सबसे बड़ा गढ़ भी वहां पर है सातवास, उसी के बेटे हैं प्रेम सिंह मलिक, उनको टिकट मिलना लगभग तय है। बरुवाड़ा से जयप्रकाश जेपी के साढ़े साहब बोलेंगे हम, राजेंद्र सूरा। उकलाना से कसम कस रहेगी टिकट की, लेकिन नरेश सेलवाल टिकट निकाल ले जाएंगे। अगर टिकट नरेश सेलवाल को नहीं मिलता उकलाना का, तो वहां पर आपको ये और बता दें कि हम कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार उनके अलावा आज आएगा तो वो हार का मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ जीताऊ जो कैंडिडेट है वो नरेश सेलवाल। गन्नौर से कुलदीप शर्मा पूर्व स्पीकर रहे हैं। राय से जयतीर्थ दहिया हैं। खरखोदा से जयवीर वाल्मीकि, और गोहाना से सबसे बड़ा नाम हम कहें समाज सेवा में, जिन्होंने हजारों की संख्या में अगर बात करें बहन बेटियों के भात भरे हैं, शादी करवाई हैं, हरस छिकारा उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि जो पीछे वाले हैं उनका से गोहाना की जो जनता है वो खुश नहीं है, लेकिन हरस छिकारा समाज सेवी के तौर पर एक अच्छी पहचान हरियाणा पंजाब राजस्थान के अंदर है उनकी, उत्तर प्रदेश, लेकिन गोहाना से चुनाव में उनको कांग्रेस उतार सकती है।
नारायणों से अजय चौधरी और जस्सी पेटवाड़ हैं, और जो नारायणोंद है इनके अलावा एक कैंडिडेट और है, उसको भी चुनाव में उतार सकती है। आपको बता दें जाट आरक्षण में अंतिम सांस तक की सजा याफ्ता दलजीत सिहाग सिसाए उनकी धर्मपत्नी अनिता सिहाग को। सोनीपत से सुरेंद्र पवार हैं, बड़ौदा से इंद्रराज भालू, सफीदों से सुभाष गांगुली, एलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल। पहले पवन बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था उपचुनाव, लेकिन अब बता दें आपको जिताऊ वहाँ के कैंडिडेट भरत सिंह बेनीवाल हैं। फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया, होडल से उदयभान जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, और नू से आफ्ताब अहमद। जो ये हमने आपको संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट बताई है, इसमें से आपको ज़्यादातर इक्का दुक्का रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पर मोहर लगना बाकी है, कन्फर्म है। और इनमें सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदारी अगर बोलूं मैं तो घरोंडा से जो वीरेंद्र राठौड़ हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दूं प्रदेश अध्यक्ष ने सॉरी अपने राजस्थान का जो चुनाव था उसमें सह प्रभारी भी हैं, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव का पद इनके इनके पास है, और जिताऊ कैंडिडेट भी हैं। सबसे बड़ी बात ये है, तो जो चुनाव जो हमने उम्मीदवारों की सूची आपको बताई, आपको अगर अच्छी लगी हो, हमारे में थोड़ा मोटा भाई नूलागदा होता हमने थोड़ी मोटी गलत है, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। जय जवान जय किसान।